नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े विमान के बारे में, जिसका निर्माण स्ट्रैटोलॉन्च नामक कंपनी ने किया है। इसलिए इस विमान का नाम स्ट्रैटोलॉन्च दिया गया है। इसके 385 फीट लंबे पंख, जो कि एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा विमान बनाता है। इस विमान की बनावट को देखकर ऐसा लगता है जैसे दो बड़े विमान को जोड़कर एक बनाया गया है, और इसकी यह बनावट इस विमान को अनोखा रूप देती है। इस विमान को पावर देने के लिए और इसको उड़ाने के लिए इसमें 6 बड़े इंजन लगाए गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े विमान स्ट्रैटोलॉन्च ने पहली बार कैलिफोर्निया में उड़ान भरी थी। इसका परीक्षण करीब 2.5 घंटे तक मोजाबे रेगिस्तान के ऊपर किया गया था। विमान ने 189 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी थी। इसकी लंबाई लगभग 338 फीट है। इस आधुनिक विमान का वजन 5,00,000 पाउंड है। दुनिया के सबसे बड़े विमान को पहली बार उड़ाने का सुनहरा अवसर पायलट इवन थॉमस को दिया गया। उन्होंने बताया कि इतने बड़े विमान को पहली बार उड़ाने का अनुभव एक अलग अनुभव है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इतने बड़े विमान को बनाने के पीछे का मकसद ज़्यादा यात्रियों को ले जाना और उससे लाभ कमाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतने बड़े विमान को बनाने के पीछे का वास्तविक कारण यह है कि यह विमान अंतरिक्ष में सैटेलाइट ले जाने के लिए मदद करेगी। इतने बड़े व पावरफुल रॉकेट होने के बावजूद भी इस विमान को इसलिए बनाया गया ताकि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने का खर्च कम हो सके। अंदाज़ा लगाया गया है कि इससे सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ने का खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का औसत खर्च लगभग $40 मिलियन से $400 मिलियन तक होता है। इस विमान के आने के बाद निश्चित रूप से सैटेलाइट के लॉन्च के खर्च को कम किया जा सकेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।